अमरपाटन से खबर है जहां युवक को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। शराब पार्टी में बुलाने के बाद एक युवक को आग लगा दी गई। अधजली अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र युवक को लाया गया है। युवक ने परिवार के लोगों पर ही जिंदा जलाने का आरोप लगाया है। तो मामले की जांच में अब पुलिस जुटी हुई है। अमरपाटन के ग्राम असरार का ये मामला है जहां शराब पार्टी में बुलाने के बाद एक युवक को आग लगा दी गई और अब अधजली अवस्था में युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। तो युवक का आरोप है कि परिवार के लोगों ने ही उस पर हमला करवाया है और जिंदा जलाने का आरोप भी परिवार पर ही युवक लगा रहा है। बता दें, मामले की जांच में अब अमरपाटन पुलिस जुटी हुई है। शराब पार्टी में बुलाने के बाद एक युवक को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। तो युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। युवक का शरीर आधा जल चुका है और उसने ये बात कही है कि परिवार के लोगों ने ही उसको जिंदा जलाने की कोशिश की है। तो इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता नरेंद्र फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। नरेंद्र, क्या है पूरा मामला, विस्तार से जानना चाहेंगे? बताना चाहूंगा, ये मामला कल देर रात 9 बजे का है जहां पर पहले युवक को चचेरे भाई द्वारा बुलाया जाता है शराब लेकर, फिर इसके बाद पास ही के गांव भड़ारी में शराब पार्टी की जाती है, फिर वहां पर दो अन्य लोगों को इसके चचेरे भाई द्वारा बुलाया जाता है और उसके ऊपर कुछ लिक्विड डालने के बाद उसके ऊपर आग लगा दी जाती है। खुद ये घटना को बयान कर रहा है घायल अशोक, जो कि वहां पे देर रात तक पड़ा रहा। सुबह जब उसको उसके द्वारा जब 100 डायल को सूचना दी गई तब वहां पर पुलिस पहुंची और तब जाकर उसको अस्पताल में भर्ती करवाया, जिसकी अभी हालत जो है मरणासन बनी हुई है, उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने उसका बयान लिया है, वहीं उसका इलाज करवा रही है। अशोक की माने तो उसका पुराना झगड़ा चल रहा था, उसके चलते इस घटना को उसने उसके चचेरे भाई ने उसको अंजाम दिया है और उसको जलाकर मारने की कोशिश की है। शुभांगी जी, नरेंद्र धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो युवक को जिंदा जलाने की कोशिश की गई और युवक का आरोप है अपने चचेरे भाई पर कि उसने उसको जिंदा जलाने की कोशिश की है। अधजली अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र युवक को भेजा गया जहां उसका इलाज जारी है और युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सर, मेरे को 9 बजे रखे इसने फोन किया, मेरे को एक फुगा दारू लिया था, वो बोले चलो एक पैक पी लेते हैं। मैंने एक पैक पिया, फिर जबरती और एक पैक और पिया, फिर उसने मेरे को पहले चेहरे पे कुछ लगाया, मैंने रुमाल से पहुँचा, बहुत मेरा चेहरा जल रहा था, फिर उसने मेरे ऊपर कुछ फेंका, फिर दो गाड़ी वो मेरे को दो जूता मारा, दो लात, फिर दो गाड़ी, एक गाड़ी और दो आदमी, उनको मैं चीन नहीं पाया, लेकिन इसको चिंता हूँ क्या केस है, क्या ऊपर फेंका है नहीं देखे? हाँ, कुछ फेंका सर। चलिए यहाँ रुकेंगे।